फॉर्मूला जनरेट किया था हमने, राइट। सो लाइन के ऊपर लिखा था योर एंगल बिटवीन टू लाइन टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम, बाद इसीलिए स्लोप वर्ड इसे कहते एम, दैट इज एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। दो केसेस लिखे थे, फर्स्ट केस लिखा था थीटा अगर 90 डिग्री है तो टेन 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका जीरो होगा, तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, मतलब टू लाइन्स का स्लोप का प्रोडक्ट अगर माइनस वन के इक्वल है देन दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड केस लिखा था थीटा अगर जीरो हो जाए या कॉन्साइड कर जाए लाइन उस केस में टेन जीरो हो जाएगा और ये एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा, मतलब अगर टू लाइन्स के स्लोप अगर इक्वल हो जाते हैं, द स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन वी कैन से दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, अब इसी को बेसिक लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे उसमें पॉइंट्स दे दिए, सपोज दैट जैसे अभी तक हम लोग बोलते थे कि थ्री पॉइंट्स आर गिवन, वी हैव टू प्रूव कि ये आपका सेम लाइन में आएगा, कोलिनियर पॉइंट है। अब आप ऐसे मत करो, आप इस ट्रिक का यूज करो, एबीसी थ्री पॉइंट्स है, वर्टिसेस गिवन है, दे आस्क यू प्रूव दैट दीस आर कोलिनियर पॉइंट। अब क्या करो, स्लोप ऑफ आप ए बी निकालो, निकाल लेंगे फॉर्मूले से, कैसा फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। फिर आप स्लोप ऑफ बी सी निकालें, स्लोप ऑफ बी सी सेम फॉर्मूले से, आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, तो स्लोप अगर इक्वल हो जाता है लाइन पैरेलल से आप कंसाइड करने स्टार्ट कर देते। तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला ना जाके स्लोप निकाले, अगर स्लोप इक्वल है देन दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस पे अटैक करेंगे। डिस्टेंस का तो है ही, इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा एक तरह से एडवांस वर्जन मिल गया आपको, अब आप इसका यूज करेंगे। फिर मैं बात करता हूँ, जैसे देखो इसी को प्रूफ करता हूँ, जैसे इसी पॉइंट को लेकर, लेट मेरे पास पॉइंट है जैसे एच कॉमा जीरो, फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है ए कॉमा बी, योर सेकेंड पॉइंट इज ए कॉमा बी एंड योर थर्ड पॉइंट इज जीरो कॉमा के। फर्स्ट है एच कॉमा जीरो, सेकेंड है ए कॉमा बी एंड थर्ड पॉइंट इज जीरो कॉमा के। लाई ऑन स्टेटमेंट, क्या तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे लाई करते हैं, देन शो दैट ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू वन, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू वन, ये मुझे प्रूफ करना है। और ये बता रहा है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, लाइन पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके स्लोप इक्वल हो गए। तो पहले फर्स्ट टू पॉइंट का स्लोप निकालता हूं मैं एम वन, फॉर्मूला क्या बताया था, वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस एच, तो आया आपके पास बी अपॉन ए माइनस एच। अब आप एम टू निकालते हैं इन दोनों के बीच का स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस ए, तो ये आया के माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए। ठीक, अब क्या कह रहा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दें, बी अपॉन ए माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस ए, एंड गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया माइनस ए बी इक्वल टू, के को ए से किया तो आया ए के को बी से किया माइनस के एच, माइनस बी का ए से किया माइनस ए बी, माइनस बी का प्लस बी से किया तो ये हो गया बी एच। इस तरह से मैं इनका मल्टीप्लीकेशन भी कर लिया, तो इनका मल्टीप्लाई करा, आप देखा मैंने माइनस ए बी कैंसल आउट, फिर ये के माइनस था इसको शिफ्ट कर लिया, तो ये उधर आ गया के एच इक्वल टू ए के प्लस बी एच, ये वैल्यू आ गई, इसको शिफ्ट कर लिया। अब मुझे तो यहाँ वन चाहिए था, तो सबको क्या किया मैंने, केएस से सबको मैंने केएस से डिवाइड कर दिया, सबको मैंने केएस से डिवाइड कर दिया, इसको भी केएस से डिवाइड किया, ये भी केएस से डिवाइड हो गया और ये वाला भी केएस से डिवाइड हो गया, तो ये कट के आ गया कितना वन, केएस से के कट गया और
एच से एच कट गया, तो ये हो गया वन इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। दिस वन यू वांट टू प्रूव दैट। ठीक, तो मैंने अभी जो बताया, अगर तीन पॉइंट्स है, कोलिनियर है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, जीरो है, ठीक है, वो मेथड है आपके पास, थोड़ा वो लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा टाइम किलिंग है, टाइम किल करेगा। आप फटाफट स्लोप निकाला, दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और रिक्वायर्ड रिजल्ट आपने गेन कर लिया। अब आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे, राइट, जब आपके प्रूफ करना हो कोलिनियर वाले कंसेप्ट के। फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसी को लेके, एंगल बिटवीन लाइन वाले पॉइंट पे आता हूँ मैं। एंगल बिटवीन लाइन वाले पॉइंट पे उसमें आपसे भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कह रहा स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। कह रहा स्लोप लाइन L1 है एक और एक L2 लाइन है। कह रहा एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। ठीक है, तो अगर मैंने इस वाले को एम ले लिया तो ये हो जाएगा आपका टू एम स्लोप। सेकेंड लाइन का एम लिया तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2m, ठीक है। करा एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन यानी tan थीटा कह रहा 1 अपॉन 3 है, दोनों लाइन के बीच का टेंजेंट की बात हो रही है, तो कह रहा देन फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो इनको निकालो। लगा देता हूं फार्मूला, tan थीटा आ जाएगा आपके पास m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 मॉडुलस के साथ। tan थीटा की जगह 1 by 3 पुट कर देंगे। अगर मैंने m1 ये ले लिया 2m, तो वो क्या है m अपॉन 1 प्लस 2m इनटू m, 2m स्क्वायर मॉड के साथ। तो 2m में से m क्या, तो ये आ गया आपके पास m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर। आप क्या करें, टेकन पॉजिटिव साइन, क्योंकि मॉड रिलीज करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, ये है आपका टर्निंग पॉइंट। तो पॉजिटिव आया m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर, गोइंग फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, शिफ्ट किया 2m square minus 3m plus 1 equal to 0. ये बना first case, or odd. अब मैं second case देता हूँ, इसको negative लगा लेता हूँ, तो minus 1 by 3 equal to m upon 1 plus 2m square. तो cross multiplication करेंगे, 3m आ जाएगा minus 1 minus 2m square. Shift करें, तो ये आएगा 2m square plus 3m plus 1 equal to 0. एक केस ये बना, एक केस ये बना, तो ये आ गई आपकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस। मैंने यहां पर पुट किया, मॉड हटाएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके दोनों केसेस को सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कैलकुलेट हो जाएंगी। ये जब मैं बात कर रहा था आपसे किसके ऊपर, स्लोप ऑफ द लाइन जो कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, स्लोप ऑफ द लाइन पे कोलिनियर के जा सकते हैं, फॉर्मूला लगा के स्लोप्स के बारे में भी हम कैलकुलेशन मोड में जा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से चीजें आपको पूछी जाएंगी। अभी मैंने एक ही पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, लाइनें पैरेलल कब है और लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी। अब मैं डिस्कस करता हूँ, ये तो आपने फर्स्ट फेज कर लिया, अब आया आपके पास, ये आपको थोड़ा आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगे, ये क्या है, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी ये आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट सपोज दैट कि लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, लेट पी कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड मेक एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी किसी सिंगल पॉइंट से पास हो जाए और एंगल जो बना रही है दैट इज थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको बोलते हैं ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो टाइप वन में नाम दिया दैट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहले थीटा का आप टेंजेंट निकाल लो, यानी टेन थीटा लिया दैट इज योर एम, टेन लिया उसको आपने एम का नाम दिया। अब आप सीधे फॉर्मेट यूज करेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इस लाइन की इक्वेशन है। एम क्या है, टेन थीटा एक्स वन वाई वन जहां से पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसे बोला पॉइंट है माइनस वन कॉमा टू और थीटा उसने बता रहा है 60 डिग्री बनाते हुए पास हो रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इनको यहाँ पुट कर देते हैं, तो वाई माइनस वाई वन कितना है 2, एम यानी एम की जगह क्या डाल देंगे, एम की जगह डाल देंगे टेन थीटा टेन 60 और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन कितना माइनस वन, तो हो जाएगा प्लस वन,
y माइनस टू टेन सिक्सटी कितना है, दैट इज रूट थ्री, और ये लिखा आपका x प्लस वन. सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज द आंसर ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू माइनस वन कॉमा टू एंड मेक एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. दिस इज टाइप वन, इसका नाम है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म. टाइप टू अब आपसे बोलेगा कि दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, टू पॉइंट्स आर गिवन, ये भी आप कर चुके हैं. जब टू पॉइंट्स आर गिवन है तो दोनों के कोऑर्डिनेट पता होंगे, लेट इसका है x1 y1 और इसका है x2 एंड y2. सेम आप इसी फॉर्मेट को यूज करें, y माइनस y1 इक्वल टू, बस इस m की जगह, m की जगह जब दो पॉइंट हो तो दो पॉइंट का स्लोप मैंने निकालना बता रखा है आपको, कैसे, y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. This is what, this is the equation of straight line passing through two point. ये तब यूज करेंगे जब आपकी लाइन दो पॉइंट से पास करेगी. फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट के लिए उसने बोला आपसे कि सपोज लाइन पॉइंट आर, तेरा पॉइंट है माइनस वन कॉमा टू एंड फोर कॉमा फाइव, यहां से लाइन पास कर रही है, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, तो लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, यानी y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस प्लस और x माइनस एक्स वन दिस वन, y माइनस टू, फाइव से टू गया थ्री, फोर प्लस वन फाइव, x प्लस वन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू विल गेट द आंसर दैट व्हाट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. टाइप टू, अब टाइप थ्री बात करते हैं. टाइप थ्री कह रहा है आपको लाइन गिवन हो गया, ऐसे एंगल है आपका थीटा और ये इंटरसेप्ट, यानी y x का इंटरसेप्ट गिवन है. इंटरसेप्ट क्या था, जो एक्सेस में जितना पार्ट कट करता दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट. दिस पार्ट इज गिवन, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो लाइन की क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सी क्या है, अबव द ओरिजिन, मान लीजिए अगर ये लाइन बिलो द ओरिजिन चली जाती तो सी की जगह माइनस लगा देते वाई माइनस, क्योंकि ओरिजिन के नीचे जो वाई की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, सो दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी. मान लीजिए लाइन अगर ओरिजिन से पास हो जाते तो सी कितना हो जाता, जीरो हो जाता, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया, सी जीरो हो गया तो लाइन आ गया वाई इक्वल टू एम एक्स. तो वाई इक्वल टू एम एक्स इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स. ये लिया मैंने स्लोप इंटरसेप्ट के, इसके थ्री फॉर्मेट है, अगर अबव द ओरिजिन है तो एम एक्स प्लस सी, बिलो द ओरिजिन पास हो रही है तो एम एक्स माइनस सी, और ओरिजिन से जा रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स. ये था आपका टाइप थ्री. अब मैं डिस्कस करता हूँ टाइप फोर. मान लीजिए दोनों x एक्सिस y एक्सिस में इंटरसेप्ट पता हो, ये रहा आपके पास a इंटरसेप्ट, ये रहा आपके पास b इंटरसेप्ट, a इंटरसेप्ट है, ये आपके पास b इंटरसेप्ट है, तो आ गया x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू वन, ये इंटरसेप्ट है, ये आपका b इंटरसेप्ट है. तो अगर इंटरसेप्ट अगर दिए हो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू वन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसके इंटरसेप्ट ए और बी है, या आपके पास टाइप नंबर फोर. टाइप फाइव इसको लिखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, इसका नाम आ गया नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म ये आपके नॉर्मल फॉर्म है, वो क्या है, मतलब लाइन जा रही है ओरिजिन से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है पी और एक्स के साथ एंगल बना रहा थीटा, एक्स के साथ एंगल बना रहा थीटा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी. व्हाट इज पी, पी ये लेंथ है आपकी, पी इज दिस लेंथ, थीटा का ये एंगल है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये पांचों फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होने चाहिए. पहला फॉर्मेट था सिंगल पॉइंट, दूसरा फॉर्मेट था लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, तीसरा फॉर्मेट था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा फॉर्मेट था इंटरसेप्ट फॉर्म, और पांचवा था आपका
नॉर्मल फॉर्म। ये चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्स एक और मैं लिख देता हूं, सिक्स मतलब इतना से जनरल फॉर्मेट हो गया, तो मैं इसको जनरल फॉर्म करके देता हूँ, जी फॉर्म लिख देता हूँ। वो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गए आपके एक जनरल फॉर्म के, ठीक। तो इतनी फॉर्मेट आपको माइंड में सेट करनी है। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जैसे पहली एक्सरसाइज थी हम लोग कर रहे थे, आज हम जैसे सेकंड एक्सरसाइज में प्रोसेस में है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग वैल्यूज देख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन। फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन मतलब सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, टू पॉइंट से पास हो जाए, इंटरसेप्ट गिवन है तो उसकी इक्वेशन निकाल लें, है ना, और नॉर्मल फॉर्म को भी के बारे में डिस्कशन लेवल कर लें। तो यहां से आपके क्वेश्चन ये फॉर्म होते हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है। जैसे अभी मैं देखो एक इंटरसेप्ट फॉर्म उठाता हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b, मैं इस पर अटैक करता हूँ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू वन, ठीक है। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये देखते समझ जाओ कि इंटरसेप्ट फॉर्म लग गई है, अप्लाई हो गई, ये a है, ये आपका b है, ठीक है, यहाँ पे लगती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 2, कह रहा एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कह रहा पासिंग थ्रू 2, 2, ऐसे लो, ये रहा 2, 2, और आगे क्या बोल रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9, लेट अगर ये ए है, लेट ये अगर बी है, कह रहा इंटरसेप्ट का जो सम है वो 9 है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 9, यानी कह रहा एक लाइन है 2, 2 से पास हो रही है और इंटरसेप्ट का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, कहां से पास हो रही है 2, 2 से, 2, 2 से पास करा दो, 2 अपॉन a 2 अपॉन b इक्वल टू 1। लाइन की लेट की इक्वेशन लिखी मैंने, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस वन, इसको 2, 2 से पास करा दो। और ये इक्वेशन एक आपको गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये आपकी सेकेंड बनी इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, इस a की जगह डाल देता हूँ 9 माइनस b प्लस 2 अपॉन b इक्वल टू 1, इस a की जगह यहाँ से वैल्यू निकाली और पुट कर दी 9 माइनस b, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 2b एलसीएम लेके प्लस 2 9 जा 18 माइनस 2b डिवाइडेड बाई 9b माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9b माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 18, शिफ्ट किया तो b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0, तो 6 और 3 बने फैक्टर, b इक्वल टू 6 आया और b इक्वल टू 3 आ गया, तो b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, इनको अगर मैं यहां पुट कर दूंगा, अगर b वैल्यू 6 है तो a आ जाएगा 3, और अगर b 3 है तो a आ जाएगा 6। तो पॉइंट क्या है, अब a और b की वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए, पहले ए और बी को ए की जगह 3 पुट करें तो बी आ जाएगा 6, पहला आंसर आएगा, फिर ए की जगह 6 डाल दें, बी की जगह 3 डाल देंगे तो आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होंगे, ये आपके पास आंसर आपके इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे जब मैं आपसे बात करूंगा इस फॉर्मेट के ऊपर, ठीक। तो दो दो लाइनें आपकी पॉसिबल होंगी। उसके बाद मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसी फॉर्मेट पे जिसका हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बोल दे अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा, मतलब अगर वो लाइन जो है, एक मिनट लूंगा मैं, एक मिनट, ठीक है, टेकिंग फॉर वन मिनट, अगर वो लाइन है जैसे इक्वल इंटरसेप्ट,
तो जब बात इक्वल इंटरसेप्ट की होगी तो इसका क्या बोलेगा वो, इंटरसेप्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं ए और बी, कह रहा है इसकी लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो ठीक है, लेट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे क्या, लेट आपकी इक्वेशन आ जाएगी, लेट का इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो आप लाइन लेट कर ले एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, जैसे कह रहा इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये ए रहा, ये आपका बी रहा, और पॉइंट जैसे कह रहा टू कॉमा थ्री यहां से पास हो रहा है, जब यहां से पास हो रहा होगा वो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, जब ये सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स एक्स की जगह टू अपॉन ए, वाई वाई की जगह थ्री, और इसको भी ए लिख दिया, क्यों लिखा, उसने बोला इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट यानी ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, जब ए और बी की वैल्यू सेम हो गई तो ए आ गया फाइव एलसीएम लेके, तो बी भी आ जाएगा फाइव क्योंकि ए और बी सेम है। अब ए और बी को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एक्स अपॉन फाइव प्लस वाई अपॉन फाइव इक्वल टू वन या एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, दिस इज द इक्वेशन, ये रही इक्वेशन आपकी इक्वल इंटरसेप्ट के ऊपर। तो इक्वल इंटरसेप्शन के ऊपर भी हम डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ। जब इक्वल इंटरसेप्ट की बात आ गई फिर हम बात कर लेंगे आपके लाइने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर या सिंगल पॉइंट या डबल पॉइंट्स ऐसे बोल सकता है, उस पे फॉर्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल फॉर्म, ये क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, कह रहा है एक लाइन है जैसे ठीक बिल्कुल अलग से दिखेगा, कहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज फाइव, लो इस पे लाइन पे डिस्टेंस कितना है फाइव ये दे दिया उसने, एंड दिस वन लाइन मेक एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, एक्स कॉस एंगल कितना है 30, वाई साइन 30 इक्वल टू पी कितना दे रखा है 5, कॉस 30 कितना हो गया, कॉस 30 साइन 60 यानी रूट 3 बाई 2, साइन 30 हो गया 1/2 5, इक्वेशन बन गए रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2 10, दिस इज द आंसर। कब, जब मैं नॉर्मल फॉर्मेट की बात करूंगा तो नॉर्मल फॉर्मेट बात करूं तो कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये एंगल दिया जाएगा और ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट रिस्पेक्टिव लाइन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म को भी कर सकते हैं। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान क्वेश्चन बनता है स्लोप इंटरसेप्ट का, आपको बोल देगा जैसे लाइन जा रही है इंटरसेप्ट करा 3 अबव द ओरिजिन एंड मेक एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आपने का सिंगल एक ही इंटरसेप्ट पता है वो भी y एक्सिस के ऊपर, तो आप सीधे अप्लाई करें y इक्वल टू mx प्लस c, m m कितना है 10 60 डिग्री इनटू x प्लस c, c कितना है 3, 10 60 कितना हुआ रूट 3 x प्लस 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तब जब मैं बात करूंगा आपसे स्लोप इंटरसेप्ट, तो अभी मैं इंटरसेप्ट के ऊपर बात की, फिर मैंने स्लोप इंटरसेप्ट के ऊपर बात की, फिर मैंने अभी नॉर्मल के ऊपर बात की, फिर सिंगल पॉइंट से लाइन को पास कराया, फिर मैंने डबल डबल इन द सेंस की दो पॉइंट से लाइन को पास कराया, तो जितने भी फॉर्मेट है ऑल फॉर्मेट विल बी सेम, सारे फॉर्मेट ये सेम होंगे, बस आपको एनालिसिस करना है कि किस फॉर्मेट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज करें, यानी हर क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है कि विच फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज, ये पांच फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होने चाहिए, इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। टाइप नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब लाइन सिंगल पॉइंट से पास होती है और एंगल पता होता है, जैसे उसने बोला कि लाइन सपोज है, जैसे एक लाइन गिवन है 3x plus 2y plus 10 equal to 0,
दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी अरे दूसरी लाइन है ये रही, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये पास हो रही है माइनस वन कॉमा माइनस टू से, मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन इस पॉइंट के पास हो रही है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन, तो पहले मैं इसका स्लोप निकाल लूं, इस लाइन का स्लोप माइनस थ्री अपॉन टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ टू, हाँ ये कैसे आया, वेरी गुड, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखो स्लोप निकालने के, स्लोप निकालने के आपके पास तीन मेथड है, थ्री मेथड। सबसे पहला मेथड, अगर आपको लाइन और एंगल पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका आप टेंजेंट ले ले टेन थीटा, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू, अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, टू पॉइंट ए और बी, और मुझे बोला जाए स्लोप निकालो, तो सीधे लगा देंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये आया method number 2। Now method number 3, अगर आपको straight line की question पता है, जैसे ax plus by plus c equal to 0, this is what, this is equation of straight line, अब मुझे इसका slope निकालना है, अभी third exercise में आएगा, आगे बता दूंगा, अभी आपको trick बता देता हूँ, ठीक है ना, trick बता देता हूँ आपको, ठीक, तो कैसे निकालते हैं, minus coefficient of x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो उसको कुछ इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपका थर्ड मेथड है, तीन मेथड से आप निकाल सकते हैं, एंगल बताओ, दो पॉइंट बताओ या इक्वेशन बताओ, तो मैंने क्या किया, इस लाइन का मैंने स्लोप निकाल दिया, अब इस लाइन का स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन, तो एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, एम वन आप बता रहे हैं माइनस थ्री बाई टू, एम टू आपने इस लाइन का स्लोप ले लिया है, मुझे स्लोप चाहिए था तो लिख दिया m2 इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m2 आ गया 2 बाय 3, m2 आ जाएगा 2 बाय 3, तो मुझे स्लोप पता है, अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो मैं स्लोप पॉइंट लगा देता हूं, फॉर्मेट स्लोप और पॉइंट का फॉर्मेट हमारे पास है, स्लोप पॉइंट का फॉर्मेट क्या है, y माइनस y1 यानी प्लस टू, m इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, अगर कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर है तो आप स्लोप वाला कंसेप्ट यूज करके इसका स्लोप बता लें, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप यूज कर लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, ठीक है, तो ये हम लोग क्या डिस्कशन लेवल है हमारा, डिस्कशन लेवल है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, जो डिफरेंट डिफरेंट पांच आपको फॉर्मेट दिए गए उनका यूज करके टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस वो फॉर्मेट से मैच हो रही है, मिल रही है, यस, अब मैं आपसे डाउट डिस्कस कर लेता हूँ, तो एक दो बच्चों के आ गए मेरे पास।